आराम से बैठ हम लोग कर लें मच इजीयर फॉर यू तो फ्रिज में आ रहा था अच्छा नहीं है तुम कंट्रोल करके आ गए यार उस साइड सब कंफर्टेबल है कैन एवरीबॉडी हैव अ सीट सब बैठ जाएं कैन आई शट द डोर्स प्लीज आप दरवाजे बंद कर लीजिए प्लीज आप सारे दरवाजे बंद कर लीजिए सब लोग प्लीज हैव अ सीट भाई लाइट बंद कर दो जस्ट हैव अ सीट और कैन आई हैव दिस डोर आल्सो शट ये हां ये बंद कर दीजिए शट द डोर जी यस थैंक यू ऑलराइट थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन आज यहाँ पे आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन और आज एक्चुअली मनीष जी और मेरी कल जब बात हुई थी तो 26 जनवरी का दिन चूज करना ही बहुत इम्पोर्टेंट दिन था यू नो आई थिंक 73 इयर्स जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है डिस्कशंस इतनी चली है मुझे लगता है कि 2015 के बाद से लोगों ने रियलिटी है गणतंत्र और स्वतंत्र तो को समझना शुरू किया व्हाट इज द डिफरेंस 15th अगस्त 26 जनवरी आज भी अगर मैं क्विज कर लेता बिफोर स्पीकिंग एक सेकंड की झिझक होती लोगों में बट आज का डेट जो हो गया ना लास्ट 3 इयर्स सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई थिंक नॉलेज बहुत बढ़ गई है जितना स्कूल में हम सीख नहीं पाए थे अब हर कोई सीख चुका है और हमसे छोटे भी लोग सीख चुके हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई ऐसी टाइप की डिस्कशन करनी बहुत जरूरी थी वन सेकेंड या तो मैं बात कर पाऊंगा या बाकी सब बात कर पाएंगे I'd like absolute silence, please. Especially अगर मेरे कोने पर. Thank you very much. Because उसके बाद लंबी discussion होने वाली है. आप सारे सारे mics ले आइए. Just give. कमलजीत सर तो हम सबके बचपन के crush हुआ करते थे, है ना? ऐसे actor बनना है हमें. एक time पर ऐसा था. बिल्कुल. Come, just give me all the mics, quick. सब professional actors हैं. सब on करके start कर लिए. Right. So, on the panel, of course, let me introduce one by one. ये पीछे जो आप देख रहे हैं, MH Films, ये जनाब है मनीष हरिशंकर जी, इनके लिए तालियां हो जाए. The man who's created all this, who's got all of us together, writer है, the director है. कमलजीत सर, सब जानते हैं उनको, no introduction required. The perhaps the face that we've all grown up watching on television, तालियां इनके लिए हो जाए. The man जिनका फेस बदलते रहता है, साइज बदलते रहता है. He looks 16 even today. Rohit Roy साथ में बैठे हैं. A lady who I have admired from the first day, 20 years ago I told her no better actress on television and the big screen and one of the most finest, strongest women I have ever met in my life. Shweta Tiwari हो जाए. तालियां. The Kangana, I think a lady who has understood कि यार मुझे छाप हर जगह छोड़नी है. लेकिन जब मेरा मन करे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट मीडियम्स आल्सो डूइंग सो वेल इन ऑल मीडियम्स अक्रॉस दिकांगना की तालियां सौरभ जिनके साथ मेरी आज मुलाकात हुई है लेकिन कल रात से एक्चुअली इंस्टाग्राम अकाउंट इनका देख देख के मैं इतना कुछ सीख चुका हूं ही इज सो पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एंड ही इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट एग्जैक्टली जो मैं आज बात कर रहा था कि ऑनलाइन से यू कैन रीच आउट सो फार और हर बार आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है So brother, you're doing a brilliant job, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, and on the digital medium. And Manish ji, आज हमारे साथ जो has taken the pains to actually come up with this entire concept. Manish ji, congratulations. आपका एक हर एक निर्माता का एक सपना होता है कि मेरे एक आइडिया, एक thought जो है, वो सामने आनी चाहिए. Before we speak about this amazing word पीछे, जिसके ऊपर बहुत सारे shock value भी है. लेकिन मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 73 इयर्स में जो हमने शायद नहीं सीखा होगा सर यू नो ऑन दिस रिपब्लिक डे लास्ट 2-3 साल में बहुत सारी डिस्कशंस होने लगी है जो पहले कभी घर तो छोड़ो बाहर तो दूर दूर तक नहीं हो सकती थी क्या तभी आपने सोचा ये सब इस टाइप का इशू बाहर लाने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये इसको इस सब्जेक्ट को चूज करना और इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना क्योंकि जब भी आप ये बात माइंडसेट की है और कुछ नहीं ये माइंडसेट की बात वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो सक्सेस स्टोरी बताते हो ये वो लेकिन व्हाट अबाउट माइंडसेट एक जो माइंडसेट है उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप क्या मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो सकती एक बात होती है ब्यूटी की मतलब जो ब्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं दे आर जस्ट 2% जो सो कॉल्ड ब्यूटी जिसको बोलते हैं ठीक है एवरी वुमेन इज ब्यूटीफुल इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज शेप स्किन कलर एज लाइफ की खूबसूरती होती है हर
तरह से हर इंसान की एक बात होती है, तो उसके ऊपर काफी कुछ सोचते हुए, और ये जब ब्रा फिटिंग की बात कर रहे हैं आप, जब ब्रा आप बोलेंगे, तो जब मैं शुरू में लिखना भी शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं लिखूं कि नहीं लिखूं इसके ऊपर, क्योंकि एक आप जब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड 80% वुमेन दे वेयर रॉन्ग साइज ब्रा, और इसके वजह से काफी तकलीफ है, काफी दिक्कत है, बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशंस हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने चीजों में उलझे हुए हैं, एक अपनी चीजों में, तो इस लेवल पे कोई सोचता नहीं है, और जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, दे आल्सो टॉक, उनके भी नंबर सिस्टम, ये सब पूरा गलत है। मैं इसकी तो चर्चा थोड़ी देर में करूंगा ही, समझने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट यू हैव चोजन आल्सो, और कैसे आपने इसके ऊपर काफी सोचा, बट एक जनरल डिस्कशन भी काफी हो जाती है। आजकल के फिल्म मेकर जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वेब सीरीज बनाने के लिए भी में काफी स्ट्रेंथ आ चुका है, स्क्रिप्ट की वैल्यू हो गई, यू नो, एंड आई विल कम टू दैट। यू नो, कमलजीत सर, आप इतने सालों से यू हैव यू नो सीन अ चेंजिंग फेस ऑफ सिनेमा सीरियल। अरे सर, इज वेरी अंजलि समथिंग, इज वेरी गुड जैकेट दैट यू आर वेयरिंग। भंजनारा को बना दिया हमने। सर देखिए, ऐसा होता नहीं, ये रिस्पेक्ट वाला है सर, यू नो, रिस्पेक्ट के से। हां अच्छा, ठीक है, दूसरी तरफ लो। तो अब मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूं कि इतना कुछ बदल चुका है, ऐसे ओपनली हम डिस्कशंस कर सकते हैं। आई रिमेंबर स्पीकिंग विद अक्षय कुमार जब उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और बैटमैन की थी, उसने कहा सलील मैं 5 साल पहले कुछ नहीं कर सकता था ये, बिकॉज अगर मैं करता भी तो आके निकल जाती, लोग बोलते ये प्रीची फिल्म क्यों कर रहे हैं। और अब जो हो गया, पिक्चर ने जितना किया हो उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन से बातें बहुत आगे चली गई थी। आर यू अवेयर सर ऑफ द पावर, ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है, और ये ऐसे सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाना, ये जो यूज हो रहा है, सर आपने जो इतना चेंज देखा है ओवर द इयर्स, यू नो योर डिस्कशन विद मनीष जी जब ये आपको ऑफर हुआ था। हाँ, ही डिडंट मेंशन द ब्रा, जस्ट टोल्ड मी माय रोल, एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई हैडन्ट डन एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन जी, और मैंने कहा भाई फैशन में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में है भाई, भाई भाई हिलाओ मत यार, लड़कियां हो हिलाओ यार भाई, वही गेस्ट स्टार हटा दो, और फिर आगे पीछे तो जी, इनका इनका एक्चुअली कैरेक्टर ही ऐसा कुछ है, तभी वो एक एक कैरेक्टर के अंदर भी ऐसे हैं। बट रोहित रॉय हैज बीन अ जेंटलमैन हूज ओवर द इयर्स, अगर देखा जाए सर ऑनलाइन एंड अखबार में भी आपके बड़े ऐसे चर्चे रहते थे ऑलवेज, यू नो, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइम, यू आल्सो सीन द चेंजिंग फेस। आई रिमेंबर द लास्ट 6 months में आपने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, यू यूज द ऑनलाइन वर्ल्ड वेरी वेल फॉर योरसेल्फ आल्सो। Are you shocked कि आज भी हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, we are talking about a bra on a public platform? You know, I'm very very enthused when Manish told me the concept of the show. 4 years back, like Akshay told you, nobody would have thought that a mainstream commercial hero will do a film about a sanitary napkin, बिल्कुल, and a toilet. And now with the advent of the OTT platforms, there's so many stories that we can tell which we couldn't afford to tell on television or film. So I think I'm very very happy to be part of this, mainly because there is a way we look at woman form in India, and unless the mind, that mindset changes, we will, you know, we've done so much of progress otherwise. You keep talking about online, there's so much of openness online. When you talk about this, have you heard the word bra fitter till now? Ask them. I'll say 90% people haven't heard the word bra fitter. Bilkul. This is for sure. Great that, you know, and a cast like this, supporting this kind of a show, I think will go a long way, hopefully. The lady aapke saath baithi hai, ye I think in the form. Taliya bajane do na, wo taliya baja rahe the, jaldi hai aapko. Bajai bajai, atel phone ke bajai. Haan haan. Aap sabko Ganatantra Divas ki hardik shubhkamnaen di. Lekin ye actually inke upar hai. ये जो किरदार भी निभा रही है इस शो के अंदर, इट्स अ फैंटास्टिक, ये बिग बॉस है मतलब शो की, समझ लो आप। एंड श्वेता, यू नो, जब भी मैं तुमसे, आपका अवतार टीवी का बहुत अलग था, यू ब्रोक इट, यू मूव फॉरवर्ड। मुझे याद है जब हम सालों पहले जब कसौटी भी करते थे तो लोग बोलते थे कि आप ऐसे ही हैं, आप बोलते तब भी, नो नो मैं ऐसे नहीं हूँ भाई, मैं किरदार निभा रही हूँ।
life has changed so much in the last 15 years also, and you yourself are so progressive apni mindset mein. Ye type of concept, this type of, you know, world that we live in now, I think this is very natural for you to do, isn't it? Hello. Yeah. Exactly when Manishi came with me, came to me with this concept, and he said, "This is what we are planning to, you know, make. This is a concept that we want you to do." जब इन्होंने मुझे narration दिया, वो सुनते ही मैंने पहले बोला कि ये character मुझसे काफी मिलता जुलता है, इसकी thinking मुझसे काफी मिलती जुलती है. हम कितना भी बात करें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सैनिटरी पैड लेने जाते हैं ना, तो वो काले पन्नी में डाल के ही देता है. आज भी आप ढूंढते हैं कि अगर कोई लड़की हो शॉप में तो ही मैं ब्रा खरीदूंगी, साइज लूंगी. कोई अगर लड़का है तो मैं उसे नहीं बोल सकती दैट आई वॉन्ट टू बाई दिस ब्रा. अभी भी वो शर्म औरतों में है, अभी भी वो देखती हैं कि अगर इसमें दो मर्द हैं तो यहाँ इस दुकान से नहीं लेना, मैंने उस दुकान से लेना है. True, very true. आज भी अगर वो पैंटीज लेने जाती हैं तो वो दो साइज कम बताती हैं, फिर कहती है भाई पता नहीं आप साइज ले लो. दे आर इवन टुडे दे आर अशेम्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज जरूरी है और आप ही नहीं पूरी दुनिया पहनती है, देन नो अबाउट इट, व्हाई आर यू अशेम्ड ऑफ इट? क्यों आपको काली पन्नी में चीजें डाल के देनी पड़ती है? क्यों आप लेकर नहीं आ सकते? क्यों आप अगर अगर इफ यू आर वर्किंग एंड यू स्टार्ट चमिंग, यू हैव टू गो एंड फाइंड अ फीमेल को एक्टर एंड से दिस इज व्हाट हैपेंड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज व्हाई कांट यू से एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई एम डाउन, कैन आई प्लीज टेक अ ब्रेक एंड गो एंड कम बैक. लोग ये कब खुलेंगे? नहीं नहीं, इतने जो दो लाइनें आपने बोली ना, दीस टू लाइंस, मेरे को 20 साल हो गए स्टेज पर, कोई ये बोल नहीं पाता पहले. चमिंग एंड डाउन, ये दो जोर शब्द आपने बोले. आई टेल यू समथिंग, इट कैन मेक पीपल फील वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स अ वेरी बिग डील. एंड क्या हो जाता है, यू नो, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम जीते थे जिसमें होता था कि जो मर्द है दे कैन से व्हाट दे फील लाइक. आफ्टर अ टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डिस्कशन. तो मुझे लगता है कि इवन विद स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स आपकी तरह ये डिस्कशंस आगे जा पा रही है. हेलो चेक. और यही परवरिश आपने अपने बच्चों को भी दिया, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी जो नेक्स्ट जनरेशन को हमें देना है. वो नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन से सीख रही है काफी कुछ, यू नो. सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट. सो प्लीज कंटिन्यू, बट दीस टू लाइंस आई हैड टू स्टॉप बिकॉज मेरे स्टेज पर तो आज मतलब इवन इन पैडमैन के टाइम पे अक्षय सर भी बोल रहे थे सुनो हमें ऐसे बात करनी, बट आई विल स्पीक वेरी ऑनेस्टली. But no lady on stage was still speaking very honestly about it. So. Yeah, because that's what I'm saying. Because for people, ये अभी भी बहुत बड़ा issue है. ये बहुत शर्म की बात है. बहुत ज़्यादा घर में पति को पता चल गया ठीक है, पर देवर या किसी और को घर में पता भी नहीं चलनी चाहिए. बाद में भनक भी होनी चाहिए कि कब औरत मतलब महीने में उस चार दिन में आती है और कब चली जाती है. घर में किसी को पता नहीं चल सकता और अभी तक मेरे समझ में नहीं आता क्यों. आई डोंट नो व्हाई. Why there's so much of issue which we want to target, which we want to see. There are few things which are important and we still don't speak about it. So thanks to Manish sir jo is tarah ka subject lekar aa rahe hain ki khair ye to it's one of the subjects, but there are many issues that we are going to point and target. And doing it in Bhopal also, I think I'm very impressed sir, because heartland, the largest heartland kaise se jana bahut zaruri hai. And of course, whenever you see Digangana, itni lambi hai, I think you are cast up perfectly as a model in this also. But you know, you are also somebody who's traveled so much. Itna aap alag-alag medium karte ho. I was seeing so many films coming down south also. I mean, you've become, congratulations, cracking that market also. Bahut badi baat hai. Telugu cinema ko crack karna, Tamil cinema is a huge deal. Just you to do something like this also, jahan mainstream mahan aap kar rahe ho, jahan bilkul commercial aap kar rahe ho, jahan pe aapki fan following itni commercial hai, बीच में उसके हाइट पर पॉपुलैरिटी पर जो अब आपका जा रहा है उस पर तोड़ के ऐसे कुछ हटके करना, यही रीजन की वजह से लोग अभिनेता बनते हैं अलग अलग रोल्स करने के लिए. सो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट. बट जस्ट अबाउट यू सेइंग यस टू दिस आल्सो, इट्स अ रियली बिग डील. रिस्क होता है, यू नो, प्रोफेशनली भी रिस्क होता है. अक्षय कुमार साहब 25 साल 30 साल के बाद एक रिस्क ले रहे हो बात अलग है. जब कोई उभरता सितारा ऊपर जा रहा होता है और रिस्क लेना, इट्स अ ह्यूज मूव फॉरवर्ड. आई लव टू हियर योर व्यूज ऑन दैट. थैंक यू सो मच. But how you did this also, you know, just to come on board? I'll tell you something.
मैंने कभी भी अपना करियर नेवर रियली सैट एंड प्लान्ड इट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू नो मैं कुछ चीज़ों को लेके एम्बिशियस रही हूँ अभी भी हूँ आई बीन इंक्लाइंड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क जब टेलीविजन किया तब मैं करना चाहती थी जब मूवीज की तरफ रुख बदला दैट वाज टिपिकली बिकॉज आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर राइट एंड वी ऑल नो कि हर दो साल में ये अपना डेब्यू कर दिया है एवरी टू इयर्स इनका डेब्यू होता है एक नई जगह जाके डेब्यू कर अरे कितनी मजेदार बात है ना कि आपको हर जगह जाके बोलना होता है हेलो जी नमस्ते पहली बार ही मिल रहे हैं आई थिंक there's joy in doing new things yeah at least मुझे तो बहुत मजा आता है but this is a slightly different zone also correct क्योंकि यहां पे एक डॉक्यूमेंट्री यहां पे this is the skill of the filmmaker and the director कि डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए एंटरटेनिंग भी रहना बहुत जरूरी है लोग आके देखे ऑनलाइन सीरीज और सर का जो प्लान अगर एक एक घंटे का भी बनाएंगे तो शुरुआत एंडिंग हर एक शो हर एक सीरीज में एक एपिसोड ही अपने आप एक फिल्म बन जाएगा दैट्स ट्रू ये करने का बहुत बड़ा रीजन वाज आई हैव नोन मनीष जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओके आई विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर इट्स रियली इंपॉर्टेंट हु इज मेकिंग द शो राइट क्योंकि आप एक सेंसिटिव सब्जेक्ट किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकते जहाँ ट्रस्ट ना हो राइट बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है सेंसिटिव सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज हम बात कर रहे हैं फैशन वर्ल्ड की जिसके बारे में इतने ज़्यादा टैबूज वैसे ही हैं द मोमेंट आप फैशन वर्ड यूज करते हैं ना लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सोचते हैं लूज कैरेक्टर्स लूज कैरेक्टर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं तो आप तो फिर शायद ऐसे हैं मतलब आपके साथ कुछ भी बात की जा सकती है और आप शायद माइंड नहीं करेंगे राइट ये बहुत ही रॉन्ग है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री आई मीन वी आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेम इंडस्ट्री एक्टर्स के बारे में भी लोग ऐसे ही कई बार बात करते हैं आप किसी के प्रोफेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसे हैं मैं आज भी फोन उठाकर सबसे पहले जय माता दी बोलती हूँ मैं अगर किसी आफ्टर पार्टी में भी हूँ यू नो जहाँ पे प्रेस हमारी फिल्म रिलीज हुई है फिर आप एक फंक्शन में है जहाँ सारे लोग हैं आई हैव लिटरली पिक्ड अप द फोन एंड सेड जय माता दी राइट एंड आई फील ये मुझे हमेशा से बहुत खटकता था कि लाइक यू नो पीपल रियली जज यू कि ये ऐसे होंगे कमिंग बैक टू हमारा टॉपिक आई फील ये टैबू इसलिए भी है बिकॉज हमने एज अ सोसाइटी अगर हम रियलाइज करने की कोशिश करें स्टीरियोटाइप कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं राइट बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है बात ये है कि मेरे कई ऐसे फ्रेंड मेल फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अगर आप पब्लिकली रो रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हैं यू नो मेन डोंट क्राई राइट मर्दानगी पर एक हाँ मर्दानगी आप ये नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप यू नो यूर अ गाय एंड लड़कियां हैं तो आप ये बातें नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ वुमन यू नो यू कांट बी सेइंग सच थिंग्स आई फील टैबूज हर जगह है उनका लिमिटेशन एंड उनका मुद्दा डिफरेंट हो सकता है जैसे अगर एक लड़का प्रोफिटर बन जाए तो आप उसको भी ऐसे ही देख रहे हो ना वो थोड़ी ना लड़की है इसको भी तो ऐसे हम देख रहे हैं यही है जो किरदार निभा रहे हैं इसका एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं एंड आई पर्सनली थिंक जैसे भगवान से सीधा प्रॉफिटर मतलब जंप दे अल्लाह जस्ट गोना से दैट सो नो हाउ डज इट फील यार बिफोर सलीम टेक्स ओवर हाउ डज इट फील फ्रॉम यू नो राइडिंग चैरियट्स टू मेरे प्लान का भगवान ले रहे हैं मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं नहीं सच ए एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट आई डोंट थिंक ऑल हैव डन भगवान का रूप कभी ये रोहित आपने मेरे भाई ने किया आपके भाई ने कमल जी सर आपने कभी अपनाया है सर रूप ये जैसे ये महाभारत ये इतने इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू प्ले दिस वाज यू आर वेरी पॉपुलर विद इट और ये यहाँ पे ही अगर रिस्क इनका है तो इट्स नॉट अ रिस्क सो मच फॉर यू ऑफ कोर्स मेनी इयर्स अगो आल्सो लेकिन ये कुछ अलग सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि रिस्क है सी जब आप पिक्चर शूट करते हैं और जिस दिन वो रिलीज होती है और अगर वो पिट जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है राइट बिकॉज आई फील देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क आई लाइक टू से दैट वे कैलकुलेटेड रिस्क है बट आई ऑल्सो फील उस कैलकुलेशन में और उस रिस्क में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी है यू नो आई थिंक ऑफ कोर्स डिजिटल बहुत
ह्यूज है आज की डेट में, एंड ऐसी कहानी को आई थिंक एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. सो इफ आई डू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले समथिंग जहाँ मुझे लगे कि आई कैन एक्चुअली एक्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट, यू नो, ट्राई एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कमर्शियल एंड पाथ ब्रेकिंग kind of stuff. दिस विल बी पाथ ब्रेकिंग एंड Saurabh, this is a big question for you because आपका जो character है real life में, you know, you आजकल thanks to social media also कई अलग-अलग किरदार वहाँ पे भी आप अपना सकते हैं. यहाँ पे मैं TikTok की सिर्फ एक thumbs up देना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का. It was a very different world. वो बात अलग है कि how it was used later on. But similarly, social media was able to provide you also with huge opportunities. यहाँ पे like how Shweta at one time also लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ साड़ी में दिखनी चाहिए. और फिर वो अलग अवतार था. सिमिलरली विद यू आल्सो, दिस इज बैक टू अ वेरी डिफरेंट अवतार फॉर यू. तो ये थोड़ा सा झिझक था दिमाग में. सबसे पहले आपका आंसर देने से पहले मैं बोलूंगा, सबको विश करना चाहूंगा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, आई थिंक लाल किले पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने टॉयलेट की बात करी थी. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टैबू ब्रेक हुआ था वो टॉयलेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था. उसके बाद मूवीज आई, उसके बाद ये जेनेरिक एक जनरल वर्ड बन गया, नो मोर पीपल हाइड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक सिमिलरली यहाँ पर मनीष जी एक ऐसा एक वर्ड लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया तो मुझे नहीं पता था कि ग्राफ फिटर होता क्या है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. I had to Google about it, and of course, then I had a meeting with him. He told me about it, और फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीजें पता चली कि जो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में easily बात नहीं करते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हम openly बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो झिझक है. तो जैसा मैंने ये शुरू किया टॉयलेट के ऊपर या आपने बैटमैन के ऊपर बात करी, जब इसके बारे में बातें होती हैं तो ये चीजें आम हो जाती हैं. फिर जो लोग इन चीजों से सफर कर रहे होते हैं वो सफर नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड सेट को चेंज करता है, एक नई सोच को पैदा करता है. सो हैट्स ऑफ टू मनीष जी टू थिंक समथिंग ऑन इट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. सर, ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है. हाँ सर, ऑफ कोर्स. Or you put everything into a nutshell, the moment you start a conversation, it becomes harm. Very well, sir. Very, very well. Big round of applause for sir. Yes, big round of applause for sir. बेटा आपका फोन आ रहा है क्या दोबारा? क्योंकि क्या है ना, इतना पास है ना, हमें पता लग गया कि आप बोल रहे किसी को, आप कोई फंक्शन में हो. ठीक है, तो हम लोग आई विल ट्राई टू जस्ट मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द स्टेज. मनीष जी, ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है आपके ऊपर, आप क्या है ना कि जैसे कवलजीत सर बोले जाते, मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बोले जा रहा हूँ, वहां पे माँ को रिस्पेक्ट था, और यहाँ पे आई थिंक एक बहुत अलग अलग एक्टर्स को यू चूज करके, स्टीरियोटिपिकल एक्टर्स नहीं थे जो आप मतलब सोच रहे थे. These were not the actors that you probably would have said कि first choice मेरे दिमाग में आ जाएगा, मेरे दिमाग में नहीं, आपके जैसे दिमाग में आया. तो ये पूरा चीज को बनाना और उसको आगे ले जाना, ये कैसे किया? Definitely एक challenging था, क्योंकि शुरू में जब आप बोलते हो कि ऐसे subject पे आप एक question भी और ग्राफ भी और beauty के concept को change करना, हर तरह की जो characters हैं वो ramp walk कर ले, इस सब पे बात करोगे तो सबको लगता है क्या है, मतलब इसके अंदर सब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है. तो ये जो भी एक्टर्स बैठे हैं ये लोग वो हैं जिनकी इक्वली कन्विक्शन मेरे को आया मेरे तरफ से. और हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी मतलब सबने पहली बार पढ़ के एंड पहली बार डन, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप क्या बहुत अच्छी नरेशन देते हो. शायद नरेशन तो के ऊपर ही तो एक डायरेक्टर चलता है, तो नरेशन के बिना तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता. स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा मुश्किल कन्विंस करना किसके लिए था, मतलब आप सबसे मिलके जा रहे हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो पहले ही बोल गया था हां मैं कर रही हूं, बट मैं कर रही हूं. आप मतलब आप इधर देख के मुझे बताइए सर, उधर मत देखना, डोंट से एक्टिविटी. ठीक है सब, नहीं इसमें क्या है, इसमें चलो मैं बिल्कुल ही सीधा बोल देता हूँ. ये रोहित कहा मनीष ने, और मैं
मैं खुश हूँ कि उन्होंने कह दिया कि मुझे कन्विंस करना डिफिकल्ट था, अभी भी हम लोग की बातचीत चल रही है उसी को लेके। पर मेरा ये मानना था कि कहानी इतनी हार्ड हिटिंग है तो इसमें ये किस तरह से वीव होती है वो बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। आई मीन यू नो आई एम ऑल फॉर बिग पाथ। सी आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी पाथ ब्रेकिंग। ये जितने सारे लोग हैं आज इतना सुन के जा रहे हैं, एटलीस्ट दे विल बी इजियर टेकिंग द वर्ड ब्रा फिटर। अब ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। जितने भी लोग हैं अब सुने हैं, सुन के कल किसी के साथ बात करेंगे तो काफी गर्व से बात करेंगे, अरे तुम्हें नहीं पता क्या होता है, अरे तुम्हें पता होना चाहिए। So at that level I'm good, and why I said yes is because only of Manish. Narration तो मेरे को दी नहीं सर ने कुछ। अरे रोहित तुम भोपाल से कांजी सर भी सेम हो रहा था, ये शब्द तो उनके पास आया ही नहीं था। सर तो आप छुपा रहे थे क्या, हर किसी को अलग अलग this much is all that is required। जैसे शब्द बोला था मुझे पूरी कहानी बोली थी, नरेशन मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन I said yes only after I met him। I said चलो कर, he said कर लेंगे, सूत्रधार बोल लो। I'll tell you exactly, ये जो बैठे हैं यहाँ पर इस शो के वो पेन हैं, पेन ये मुंह हैं, मैं ब्रेन हूँ, ये आइडिया है और ये फैशन है और ये लोगों की सोच। वाओ, मतलब एक ऐसे मनीष जी ने भी लिख के नहीं दिया था। श्वेता आज जो आप होमवर्क करके, अरे 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 जो होमवर्क करके आए आप ना, परफेक्ट। तो श्वेता को जो इतने सारे सब जानते, वैसे अरे वो मिस यूनिवर्स का ग्राउंड का है। बट आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट आल्सो, जिस तरह ये बोल रहे कि रोहित वाज टफ टू कन्विंस, श्वेता ऑल्सो ऐसी हैं। लाइने जो ऑफकोर्स 100% आई स्पीक बिकॉज मुझे याद है, एक बार श्वेता तिवारी आपकी लाइन्स भी याद कर लेती हैं, अपनी लाइन्स बता होती हैं, दो सेकंड पहले ना वो ऐसे टाइम पास कर लेती हैं, हाँ हाँ क्या सब ठीक है ना, परफेक्ट, हाँ ये ऐसे कर लेंगे। डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला सीधा रोना शुरू कर दिया शॉट में, और दूसरा एक्टर बोल रहा था अभी तो यार कुछ और सोच रही थी। तो ये बिल्कुल वैसे टाइप की जो स्टूडेंट होते ना, जो मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आई हूँ, नो आइडिया, 100 कैसे आए, ओ पता ही नहीं, वो ऐसे सारे क्वेश्चन जो मुझे ही पता वो आ गए। सो ऐसा नहीं है, शी इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। बट सर ये बहुत मुश्किल है कन्विंस करना इनको। सो श्वेता आई डोंट, बिफोर आई कम टू सर, आई डोंट क्वाइट अग्री विद ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ रोहित। आई नो दैट यू आर वेरी एग्जैक्टली कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई नो हाउ यू आर, अनलेस आप बदल चुकी हैं काफी, तो बताइए ये राज आज खोला जाए। मैं वो नहीं बता सकती। अच्छा। कैसे कन्विंस किया, इजी? इनको तो मैं सबसे लास्ट में मैंने अप्रोच किया था, सबसे लास्ट में, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इस इवेंट से, यस, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है, रोल है, इट्स अ बैकबोन, मतलब एक पूरी पूरा जो थॉट है जो इस वेब सीरीज का वो लेके आ रही है। और जब मैं नरेट कर रहा था तो जो रिएक्शन भी वैसा ही था, समवेयर शी वाज इक्वली कन्विंस्ड विद द आइडिया। एक जो कन्विक्शन है वो एक दिन का नहीं होता है, ये पूरी लाइफ की होती है। तो जब आप एक सिमिलर सब्जेक्ट, एक सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट नरेशन में ही सी से यस ये है, लेकिन सबसे लास्ट में, मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे, बिकॉज बहुत पहले मैं इनके साथ थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, आपने याद दिलाया, हाँ, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच हर, very very tough to reach her. Very, हाँ, but it's true. But I must say before I throw out some open some questions, बड़ी लंब tall cast है सर, मतलब सोचो बहुत लंबी cast है, it really is। कमलजीत सर, सौरभ 6'5", 6'3", दिगंगरा सेल, यू एस वेल, और आप लोग जब हील्स पहनते हो तो और, तो ये भी है सर, it's a very intimidating cast। मतलब जो हर एक एपिसोड में सर एक नए कुछ किरदार ले जाएंगे। पहले तूने मुझे पूछा नहीं कि उन्होंने एक्चुअली कन्विंस किया कैसे, ये डिफिकल्ट टू कन्विंस तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, कन्विंस किया कैसे? आई वांटेड टू आस्क, आई एम स्कैर्ड टू आस्क, गो अहेड। ही सेड श्वेता तिवारी इज ऑन, आई सेड आई एम ऑन।
I said, सिर्फ रोनित रॉय क्यों काम करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है. बिल्कुल राइट. सो वैसे तो थोड़ा और लंबा हम लोग करते रहते, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत मजे हमें आ रहे हैं. एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस? मैं स्वयं ही आपके पास आ रहा हूं. जानबूझ के हमने गुंजाइश बहुत कम छोड़ी आपके लिए सवाल करने के लिए. मतलब प्रेस बैठी है यहाँ पे या ज्यादातर डिग्निटरीज और दोस्त ही है? वो वन ऑन वन भी हो जाएगा बाद में, तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो आज एनीबडी वुड लाइक टू आस्क. जी जी बोलिए बोलिए. अच्छा अच्छा, बट ये भी ठीक था ना, मतलब बस ठीक. ओके ओके, सो वी आस्क क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस. यस या सो वी डू अ फोटो ऑप राइट नाउ, बट बिफोर दैट मनीषी आप किसी को यू लाइक टू. हाँ हाँ, एक सेकंड वी डू अ फोटो ऑप फर्स्ट विद द टास्क. एक्चुअली I will, one second, I just, can I just have somebody from, पहले still photographers थोड़े आगे आ जाइए, पहले still from photographers, cast के सर में, super, सर आप और किसको बुलाना चाहेंगे सर? OTT पर धूम मचाने के लिए एक और आने वाला है एक वेब शो जिसका नाम है शो स्टॉपर. मैम आपने तमाम सीरियल्स किए, आप आज भी घर घर में प्रेरणा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम बचपन से आपको देखते चले आए. इस शो में आप ऐसा क्या दिखाने वाले हैं, ऐसा किस तरीके से क्या करने वाले हैं कि ये इस शो भी आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शो है? वेरी गुड क्वेश्चन. तो इस शो में ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊँ के बारे में, अगर आप कभी अपनी माँ से अपनी बहन से अपनी वाइफ से पूछेंगे, कभी आपकी बेटी हुई तो आपकी बेटी बेटी है, नहीं अगर बेटी हुई तो बेटी से पूछेंगे. औरतों की ऐसे कई सारे सीक्रेट्स तुम्हारी तरफ ही याद है, तुम्हारी तरफ जो खुद भी फेस नहीं करना चाहती, आईने में भी खुद को नहीं देखना चाहती. व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेच मार्क्स, व्हेन इट कम्स टू देयर बॉडी शेप, व्हेन इट कम्स टू डार्क स्किन, व्हेन इट कम्स टू बिना रियलाइज किए कि इट्स ओके, दे आर ब्यूटीफुल, दे हैव नॉट सीन अदर वुमेन, दे हैव नॉट सीन अदर लेडीज, दे हैव नॉट सीन अदर्स flaws that other women have. उनको लगता है ये flaw होनी मैं, बाकी सब perfect है. No, it is not. जैसे औरतें stretch mark को लेके they feel, oh my god stretch mark, oh my god stretch mark. You've come out of a major, you know, you've given a birth to a child. You've got a complete, you know, human in the world. That stretch mark is your reward, award, whatever you say. You should not be ashamed of it. So I think this is what we're talking, going to talk a lot about. And this is just a topic. This is how we're going to come up with the show. क्या ये जो शो है समाज में एक इबारत लिख देगा, एक अच्छा संदेश देने के लिए, जो आप महिलाओं से जुड़े हुए जो संदेश देना चाहती हैं शो के लिए? देखो भैया, अभी रात में डिनर में क्या खाऊंगी ये मुझे पता नहीं, अभी क्या कर देगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये लेकर आ रहा है, कुछ कर दे तो अच्छा है, लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना तो फिर ये शो है. देखो दिगांगना जी, OTT पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, आप इस शो का एक शो का हिस्सा हैं, आप अपनी भूमिका किस तरीके से करते हैं, आपका क्या किरदार है? किरदार के बारे में तो हम पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं, पर ये शो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को टच कर रहा है, जो आई थिंक वेमेन एंड मैन दोनों के ही बारे में है. बिकॉज आई थिंक मैन एंड वेमेन टैबू सिर्फ किसी एक जेंडर स्पेसिफिक के अराउंड नहीं होते हैं, टैबूज किसी के भी अराउंड हो सकते हैं और किसी भी रूप में हो सकते हैं. तो कई बार लड़के कुछ करना चाहते हैं, उनको ये बोल के रोक दिया जाता है कि तुम लड़के हो तो वैसा कैसे कर सकते हो, एंड लड़कियों को बोला जाता है तुम लड़की हो तो वैसा कैसे कर सकते हो. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. आई थिंक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने का रीज़न बस कि कई सेंसिटिव चीज़ें ना कई बार बहुत ही रॉन्ग शूट हो जाती हैं, एंड वो फिर जब दिखती भी हैं तो आपको वो मैसेज कन्वे होने के बजाय और कुछ हो जाता है. सो एस्थेटिकली शूट होना, मनीष जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई रियली ट्रस्ट हिम ऑन दैट, एंड कास्ट बहुत अच्छी है. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. श्वेता जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं यू नो ये वो लाइन है जो मैं
बना बनू के नहीं कह सकती, दिस इज हाउ इट इज। अब उनके साथ काम करना आपको कैसा फील कर रहा है? आप मेरे सामने पूछेंगे तो आपको क्या आप क्या नहीं नहीं शायद हो सकता है उनकी भावना क्या हो रही है कि मैं यहां पे और पर अभी ये है व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? नहीं, दिल की भावना से बाहर निकल कर आ आई नो ऐसा नहीं है। सी वैसे ये बात खैर फनी भी है नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना ये यही, और मैं उनकी तारीफ नहीं तो आप मेन साइड में चले जाइए, आप फिर कह दीजिए साइड में चले जाइए। कॉफी लाना मैं उनको बता सकता हूँ, मैं भी आता हूँ। जी 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 मैं भी चलिए। और बताइए मैं शो के बारे में, और सौरभ सर आपके साथ में हैं तो सौरभ सर के साथ आप क्या किस तरीके से सोच के आइए मैं शो किस तरीके से करूँ अपना बेस्ट दूँ? मैडम सर सबसे जी जी हमारे भोपाल कैसा लगा? भोपाल में मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मेरे फूफा दादू बुआ दादी यहाँ रहते हैं तो मैं कई बार आती जाती रहती हूँ, पहली बार शूट कर रही हूँ तो सेंटिमेंटल। जी भोपाल बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स बहुत प्यारी जगह।